स्वागत है सभी का नए दिन नए व्लॉग में। कल के वादे के अनुसार आज हम यहाँ की बसेस के बारे में बताने वाले हैं कि क्या होती, क्या सिस्टम है बसेस का। और मैं बस स्टॉप पे ही खड़ा हूँ, पीछे अभी फोकस करके दिखाता हूँ। लेकिन मज़ेदार, और ये देखो एक बस टाइमिंग देखो, एक बस भी पीछे से जा रही है। और मज़ेदार बात पता है क्या है, आज मैं रैंडम बस लेने वाला हूँ, मतलब रैंडमली जो बस आने वाली है ना उस पर बैठूँगा। और मैं देख रहा हूँ अभी 10 मिनट में क्रॉस ऑफ करके है, जहाँ मैं पहले कभी गया ही नहीं, तो रैंडम जगह जाएंगे और देखते हैं। वैसे एक्साइटिंग है ना बसेस के बारे में, बताओ रैंडम स्टॉप उतरो और फिर वापस आ जाएंगे टाइमिंग वाइमिंग देख के। तो जैसे कि कोई नया जना यहाँ पे आता है उसके लिए सब नया होता है ना स्टॉप, नया ना नाम सुना ना कुछ। तो एक तरीके से मेरे लिए भी ये ऐसा ही एक्सपीरियंस होने वाला है, क्रॉस ऑफ करके स्टॉप है जिसमें मैं कभी गया नहीं। तो जिन जो यहाँ रहते हैं वो तो देखेंगे, और जो आगे आने वाले आगे आके यूज़ करेंगे। और जब नाम नहीं समझ आता, कुछ नहीं होता, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो एक तरीके का वो रेप्लिकेट तो नहीं हो पाएगा, पर वैसा दिखा सकेंगे। तो आगे देखो, और जो ना यहाँ रहते और ना रहने आने वाले हैं वो देखो भाई कि यहाँ की बसेस का सिस्टम और क्या होता है। अपने यहाँ से थोड़ा तो अलग होता है ऐसा मुझे लगता है, बाकी देखो क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैं एक एक डिटेल बताता जाऊँगा। जैसे अभी मैं ज़रा स्टॉप के बारे में बता देता हूँ पीछे करके। सबसे पहली चीज़, ये जैसे बस स्टॉप है, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे बोर्ड लगा रहता है, जैसे देख रहे हो टाइमिंग लिखा है 4:16 हो रहा है। और अपना जैसे ये 107 जो है बस नंबर है, क्रॉस ऑफ जो लास्ट स्टॉप है वो है, और 7 मिनट मतलब है कि 7 मिनट बाद अभी ये बस आने वाली है, उसके बाद अगली बस 67 मिनट्स बाद है। तो ऐसे डिटेल लिखी रहती है यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। ये पीछे जनता खड़ी हुई है जाने वाली, और ये अपने यहाँ के बस स्टॉप का नाम है। जैसे यहाँ का जो स्टॉप है वो डावनपोर्ट स्लाब से, और कौन कौन सी बस स्टॉप से जाएंगी वो मेरा उंगली थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, पर कौन कौन सी बस स्टॉप से जाएगी वो लिखा है देखो, 105 और 114, ठीक है। मतलब ये बसेस यहाँ से जाती हैं यूजली, बट आज 107 भी जाएगी यहाँ से क्रॉस ऑफ। तो इतनी ये डिटेल है अभी इस स्टॉप की। तो यूजली इसका मतलब है जैसे 105 आई थिंक आईकिया जाने वाला है, आईकिया वाला व्लॉग देख लो इससे पहले डला होगा। और 114 अपना पुराना अपार्टमेंट जाता है पेरिस स्ट्रासा होते हुए, वो भी देख लो, उसका व्लॉग भी डला है विजिटिंग माई प्रीवियस अपार्टमेंट। तो ये है, और कभी कभी जैसे 107 है वो भी जाता है। तो बस का इंतज़ार करते हैं और बैठते हैं। और क्या धूप निकली, और ये देखो बस तो अपनी आ गई है। ये देखो ऐसे ऊपर बस के ऊपर लिखा रहता है 107 क्रॉस ऑफ, जो डेस्टिनेशन का नाम है, जो यहाँ पे भी लिखा है। ये देखो अब 0 मिनट दिखा रहा है, मतलब यहाँ पहुँच गई है। चलते थे यूनिफॉर्म वाला साइट, अंदर तो बैठ चुके हैं। और देखा होगा कि बस के अंदर आके तो बैठ गए यहाँ पे अपना मस्त कोने की सीट पकड़ के, ताकि रास्ता भी दिखा दें। लेकिन एक चीज़ पता है आज अलग क्या हुई है, वो बढ़िया है, पीछे से एंट्री हुई। अगर देखा होगा पीछे वाली साइड से, यूजुअली ना सामने से एंट्री होती है, और वहाँ पे ना ऐसे कुछ बसेस में ऐसे एक बैरियर टाइप का लगा रहता है, जैसे वो चेक करता है वो हटाओ और फिर अब चले जाओ, या नहीं भी लगा रहता तो आगे से एंटर करके अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, स्टूडेंट आईडी या जो भी है। बट आज आई थिंक आगे से एंट्री क्यों नहीं की, बट और सिटीज़ में पीछे वाली साइड से ही एंट्री हो जाती है, मिड या पीछे से जो दरवाजे हैं। बट यूजुअली जब कैशेस लौटन आते तो हमेशा आगे से ही वो एंट्री होती, ताकि वो चेक करे कि भाई या तो तुम टोकन ले लो और या तो तुम स्टूडेंट आईडी कार्ड ले लो। इसके बारे में बताएंगे आगे, पर अभी पहले रास्ता देखो थोड़ा। तो भाई मज़ा आ रहा है, एक्साइटिंग, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये देखो अपना यूनिवर्सिटी से होता हुआ जा रही है बस बिल्डिंग 47। और अब ज़रा बात तो करेंगे, पर म्यूज़िक के साथ ज़रा रास्ता देखो, और क्रॉस ऑफ पहुँचते हैं, और म्यूज़िक इन्जॉय करो और रास्ता देखो आगे।
उम्मीद है रास्ता इंजॉय किया होगा। और यहाँ पे ना अभी जो बस वाले उन्होंने पूछा था कि कहाँ जाना है, मैंने कहा मेरे को तो बस वापस जाना है। और मैं यहाँ रैंडम फिर ये जो स्टॉप दिख रहा है इसका नाम बता देता हूँ, आमहांग करके स्टॉप है। यहाँ पे भी 107-108 लिखा है, यहाँ उतर गया हूँ। तो जो 107 वाली बस आएगी ना दोबारा तो उसमें बैठ जाएंगे। तो बस बढ़िया रैंडम जगह और बढ़िया लग रहा है एकदम, बस धूप निकली और रास्ते में फॉरेस्ट पड़ा, पूरी सिटी पड़ी देखते हुए गए। अब बस जैसी वापस आएगी उसमें बैठ जाएंगे। और ये सामने विंड मिल्स भी बढ़िया दिख रही हैं, वो दिखाता हूँ। ये देखो क्या मस्त एरिया है, एकदम इतनी सारी विंड मिल्स चल रही हैं। और बस बस का इंतज़ार करते हैं और वापस जाएंगे। तब तक ना ज़रा बस स्टॉप के बारे में, जैसे कि कई बार क्या होता है एक बस स्टॉप यहाँ है जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक उस साइड है, ठीक है। जैसे बस इधर से इधर आई तो मैं उस साइड उतरा हूँ, लेकिन अब मेरे को इधर जाना है तो मैं इस साइड आया हूँ। लेकिन कभी कभार ना जैसे फर्स्ट टाइम कोई आया या जिसको नहीं मालूम उसको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कैसे देखते हैं वो बताता हूँ। मेरे सामने ना यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, ये देखो ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है, SW के। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीनी 108 का लिखा है, तो अभी हम कहाँ हैं, आमहांग में। और हमें कहाँ जाना है, बाय चांस मान लो स्टार्ट मिटा जाना है, ठीक है, ये 108 वाली बस स्टार्ट मिटा जाती है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे जो करंट स्टॉप होगा वो यहाँ लिखा है, जिस जिस स्टॉप से जाएगा वो यहाँ और जहाँ तक जाएगी वो यहाँ, ठीक है। ऐसी आई थिंक यहाँ पे 107 का मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ जगह मेंशन होता है। अगली चीज़ जैसे यहाँ लिखा है जामस्टाग सोनटाग और फ्राइटाग, ठीक है, तो ये जो लिखे हैं ना ये टाइमिंग्स हैं, जैसे सुबह के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, रात के 11:38 पे, 49 मिनट पे, ठीक है। और जामस्टाग सोनटाग फ्राइटाग फायरटाग मतलब हॉलीडे, ठीक है, मतलब संडे और हॉलीडे के दिन, सैटरडे और बाकी डेज मंडे से फ्राइडे। तो मंडे से फ्राइडे क्या है, वर्किंग डेज है, तो उनके ये टाइमिंग्स हैं। जैसे 6:27 पे आएगी, अगली 6:55 पे आएगी। और देखो सैटरडे की टाइमिंग्स थोड़ी कम हो जाती हैं फ्रीक्वेंसीज, सिमिलरली संडे की और कम हो जाती है क्योंकि पीस डे होता है, संडे पे भी हम व्लॉग बनाएंगे, पर देखो संडे की ये टाइमिंग्स लिखी हैं। तो यहाँ से स्टॉप पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बस नंबर पढ़ सकते हैं और यहाँ से टाइमिंग्स पढ़ सकते हैं कि क्या टाइमिंग्स हैं अलग अलग दिन की। तो आई होप ये समझ आया होगा। और यहाँ लिखा रहता भाई कौन कौन सी बस इस बस स्टॉप से जाएगी। और ये देखो भाई क्या नज़ारा दिख गया, प्लेन, वाह कितने पास से जा रहा है यार, मस्त। ये देखो बढ़िया व्यू, और ऐसी रैंडम चीज़ें दिखती रहती हैं। और बस में ना दो चीज़ें और जो मेंशन करने वाली हैं, एक तो कि जब आगे से जाओ तो हम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनके लिए क्या है कि आईडी कार्ड पे कुछ VRN का रीजन है, हालांकि उस पर बात करेंगे किसी और दिन, बट आईडी कार्ड दिखाओ तो सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहता है, ठीक है। तो आईडी कार्ड आगे चेक हो जाता है, बस जिनको टोकन लेना होता है उनके लिए हो जाता है, लेकिन VRN रीजन या किन केसेस में स्टूडेंट्स को भी पे करना पड़ता है उस पर अलग वीडियो या मंडे की बात में किसी टाइम बात करेंगे। दूसरी चीज़ बस मैंने एक एम्पेरा करके एक वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल होता है मोस्टली बसेस में, तो बसेस के दौरान ना वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे अगर नेट नहीं है या फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये होता है कि यार सिम नहीं है कुछ नहीं है, तो वाईफाई भी होता है बस में, तो वो वाईफाई यूज़ कर दो, मैक्सिमम बसेस में होता है, ठीक है। और दोबारा अपनी बस में बैठ चुके हैं और अब दिखाता हूँ वो जो बैरिकेड वाला एरिया है, बैरिकेड जिसमें अभी लोग आते हैं दिखाते हैं। तो बैरिकेड तो देखा होगा, और यहाँ पे ना अलग अलग स्टॉप बटन्स होते हैं, जैसे बस को जब अपना स्टॉप आने वाला है तो रोकनी है, तो वो बटन्स एक बार दिखाता हूँ। ये देखो जैसे एक यहाँ पे बना हुआ है, ये ग्रीन कलर का बटन, ये लाल कलर के गोले के ऊपर है ना, ये स्टॉप के लिए होता है, इसको दबा दो तो मतलब जो भी अगला स्टॉप आने वाला है उसमें बस को रोकना है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक वो हो गया, वो हो गया, ठीक है। और आगे देखो, ये देखो दो यहाँ हो गए, तो हर हैंडल पे ये बना रहता है ऐसे, ताकि जो बंदा बैठा है वो दबा सके बस रोकने के लिए जो भी अगला स्टॉप आने वाला है उस पर। और अगला अपना स्टॉप है तो हम भी बटन दबा ही देते हैं। और फाइनली पूरी जर्नी के बाद, पूरे भ्रमण के बाद, रैंडम स्टॉप पे हम वापस अपने ऊनी वेस्ट आ चुके हैं, और पीछे अपना कुटशूमाकर है जहाँ से हम बस पकड़ते हैं। बढ़िया रही लेकिन जर्नी यार। और यहाँ की भी एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो जैसे यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई थी 105-106 बस जाती है, तो उसका टाइम टेबल लिखा है 105-106। तो अब मुझे आइडिया, मतलब अब मुझे लगता है कि आइडिया हो गया होगा कि टाइमिंग्स पढ़नी है, स्टॉप्स पढ़ने हैं। देखो जैसे ऊनी वेस्ट है तो ऊनी वेस्ट से स्टार्ट मिटा तक ये जाती है, ऊनी वेस्ट से कुटशूमाकर तक ये जाती है,
तो ऐसी टेबल पढ़ो और अपना देखो भाई सही स्टॉप पे है कि नहीं। और यही था। और हाँ, जो बीच में साउंड आई थी ना नेक्स्ट हाल जो भी, वो बेसिकली ऐसे हर स्टॉप आता है तो जिसपे प्रेस करते हैं ना बटन, और अगले स्टॉप पे वहाँ स्टॉप का साइन आ जाता है। जैसे स्क्रीन पे देखा होगा स्टॉप्स आ रहे थे तो आते रहते कि अगला ये अगला ये अगला ये, और सबसे ऊपर लिखा रहता है जो फाइनल डेस्टिनेशन है। तो ऐसे अलग अलग स्टॉप्स आते रहते हैं, तो जैसे जिसके लिए स्टॉप का बटन दबाया तो उस पर आ जाता है कि अगला स्टॉप भाई है, तो वो पीछे से आवाज़ भी आ जाती है, और जैसी बटन दबा तो टी करके आवाज़ आ जाती है कि हाँ मतलब अगले में रुकने वाली है। और जो स्टॉप के बगल में ना स्टॉप करके लिखा हुआ आ जाता है, और वो सामने जो स्क्रीन थी उसी पे डिटेल होती है। तो ये था, बाकी बैरिकेड था और क्या था है? मुझे लगता है यही था बस का सफ़र अपना पूरा। और आई थिंक बस अब जो भी है कर सकते हैं, जिनको करना होगा, जिनको नहीं करना होगा उनके लिए जानकारी हो गई कि कैसे होती है यहाँ पे। तो मुझे लगता है ये जो रैंडम जर्नी है ना बढ़िया थी एकदम, और इसका समापन और अंत यहीं करते हैं। और आई होप यहाँ की बसेस के बारे में देख के और जान के बढ़िया लगा होगा। तो ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं, तो बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने ना करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो कर दो और अगला ब्लॉग देखो। बाय बाय, क्योंकि कल पहली ट्रिप डॉचलैंड टिकट से होने वाली है। बाय, और कल देखो।